मैदान पर आया विराट का तूफान। रोहित शर्मा ने विराट के हाथों थामी गेंद तो विराट ने लिया 3572 दिन बाद वनडे विकेट तो खुशी से झूम उठी अनुष्का शर्मा। भारतीय टीम के स्टार और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली अपनी गजब बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बल्ले से खूब नाम कमाया है। नीदरलैंड के खिलाफ भी आखिरी लीग स्टेज मुकाबले में किंग कोहली का बल्ला जमकर बोला है। हालांकि पिछले कुछ मैचों से विराट कोहली गेंदबाजी की प्रैक्टिस भी कर रहे थे, उन्हें नेट्स में गेंदबाजी करते हुए भी देखा जा रहा था। वही जब बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे तो विराट कोहली ने उस मैच में गेंदबाजी भी की थी। वही अब बेंगलोर में जब कप्तान रोहित शर्मा ने किंग कोहली को एक बार फिर गेंद थमाई तो कमाल हो गया। विराट कोहली ने विकेट लेकर तहलका मचा दिया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में हर चीज में कमाल कर रहे हैं। बल्ले से तो वह आग उगल रहे हैं, फील्डिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है। अब गेंदबाजी में भी उन्होंने तहलका मचा दिया है। जब से कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी की थी उसके बाद से फैंस लगातार रोहित शर्मा से विराट कोहली को गेंदबाजी कराने की अपील कर रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित ने फैंस की सुन ली और विराट को गेंद थमा दी। विराट कोहली नीदरलैंड की पारी का 25वां ओवर डाल रहे थे। इस ओवर में तीसरी गेंद पर नीदरलैंड के कप्तान कोड एडवर्ड्स स्ट्राइक पर थे। विराट ने बिल्कुल व्हाइट गेंद डाली लेकिन उस व्हाइट गेंद पर थोड़े रन बनाने के लिए एडवर्ड्स को लालच दिखाई। गेंद उनके बैट पर पूरी तरह से नहीं आई और बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर केएल राहुल के दस्ताने में चली गई। इस तरह विराट ने लगभग 10 साल बाद वनडे क्रिकेट में विकेट लिया। विराट ने आखिरी वनडे विकेट जनवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लिया था। यह विराट का 5वां वनडे विकेट था। वही T20 में भी 4 विकेट ले चुके हैं। वही लंबे समय बाद विराट ने विकेट लिया तो उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने स्टैंड से ही उनके साथ विकेट का जश्न बनाया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।